हिमाचल में स्क्रब टाइफस के 250 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में बुखार के मरीज आते ही उनका स्क्रब टाइफस टेस्ट भी करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रब टाइफस को लेकर निर्देशिका जारी की है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस के 250 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में बुखार के मरीज आते ही उनका स्क्रब टाइफस टेस्ट भी करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रब टाइफस को लेकर निर्देशिका जारी की है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में इस बीमारी का आंकड़ा 250 से भी ऊपर पार कर चुका है। अकेले जिला बिलासपुर में सबसे अधिक 91 इस बीमारी के मरीज सामने आए हैं और प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 30 मरीज इस बीमारी के सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5 वर्षों से स्क्रब टाइफस के मामले ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले जिला अस्पतालों में 10 से 12 मरीज ही इस बीमारी की चपेट में आते थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि शिमला में 2 जबकि मंडी जिला में 1 मरीज की मौत इस बीमारी से हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बीमारी को लेकर प्रदेश के सभी अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया है। हर साल बरसात में स्क्रब टाइफस कई लोगों की जान पर भारी पड़ता है। इस रोग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रब टाइफस रोगियों का मुक्त उपचार करने के निर्देश जारी किए हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा के बाद अब मंडी के नीरचौक मेडिकल कॉलेज में भी स्क्रब टाइफस के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। मानसून सीजन में कई किसान, बागवान, खेतिहर, मजदूर भी स्क्रब टाइफस का शिकार होते हैं। स्क्रब टाइफस के कारण प्रदेश में 3 साल में 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस साल स्क्रब टाइफस के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। जिला कांगड़ा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेर ने बताया कि जिला में इस बीमारी के 687 मरीजों के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 30 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक इस बीमारी से कोई भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का इलाज हर स्वास्थ्य केंद्र में मुक्त किया जा रहा है। उन्होंने बुखार आने से लोगों को तुरंत अस्पताल आने की सलाह दी। डॉक्टर राजेश गुलेर ने कहा कि ये बीमारी बरसात के मौसम में घास में पनपने वाले पिस्सू के कारण से ये रोग फैलता है। इस कारण मरीज को सिर दर्द, बुखार के साथ जोड़ों का दर्द, शरीर में दर्द, ठंडक लगना और शरीर पर निशान जैसी समस्या होती है। ऐसे लक्षण होने पर मरीज को तुरंत चिकित्सकों के पास उपचार करवाने आना चाहिए। देखिए, बरसात के मौसम में बहुत तेज बुखार आना और शरीर में दर्द, दर्दों के साथ सिर में दर्द होना, ये लक्षण जिनमें आते हैं उनमें स्क्रब टाइफस होने के चांसेस होते हैं। जिला स्तर से हम बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग रख रहे हैं कि हर महीने कितने मामले आ रहे हैं। इस वर्ष में जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 700 टेस्ट टांडा में हुए हैं, जिसमें से 30 मामले अभी पॉजिटिव आए हैं और कोई भी अभी इसकी वजह से मृत्यु नहीं हुई है। विभाग की तरफ से जो इसके लिए दवाइयाँ चाहिए इलाज के लिए, जो बहुत बेसिक दवाइयाँ हैं, पीएचसी से लेकर ऊपर तक सभी अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं और जिला स्तर से हर दिन डेली रिपोर्ट इसकी मॉनिटर भी की जाती है कि कहाँ से मामले आ रहे हैं और उन क्षेत्रों में हम ज़्यादा अच्छे से और आईसी कंपेन चलाने का प्रयास करते हैं और डेली ये रिपोर्ट स्टेट हेडक्वार्टर से भी शेयर की जाती है। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।